हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन किस प्रकार करेंगे पार्ट सेवन प्रश्नावली 4.1 का। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। अन्य जो क्वेश्चन थे उन्हें हमें आप लोगों को भाग 6 तक बता दिया, आज 7 में बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो देखिए, प्रश्नावली है 4.1, इसमें आपको हमने 5 का फर्स्ट क्वेश्चन तक बताया, आज 5 का सेकंड क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, दिया इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन x प्लस साइन 2x, इसका आपको करना है समाकलन। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमने आपको सभी क्वेश्चन बताया है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया है, आप लोग भी पूरा तैयार करते हुए चलिए। तो इसको सॉल्व करने के पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको किसी न किसी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x इंटू कॉस x, तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन साइन x प्लस 2 साइन x इंटू कॉस x। इतना करने के बाद आपका आगे आएगा, फिर देखिए जब इतना आ गया टोटल आपका यहाँ तक आ चुका है, अब इसको और कुछ तोड़ना है, जोड़ना घटाना पड़ेगा ही। तो देखिए इसमें हम अगर साइन x से गुणा कर लें, साइन x से गुणा और साइन x से भाग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू डी एक्स हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या होगा, नीचे साइन x है ही, तो साइन x से गुणा होगा तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x हो जाएगा। अब देखिए इसमें आप लोग कर क्या सकते हैं, नीचे देखिए हर में देखेंगे तो साइन x कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ प्लस 2 कॉस x हो जाएगा, और ऊपर तो साइन x इंटू डी एक्स रहेगा ही। उसके बाद करेंगे क्या, यहाँ पर हम करेंगे साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स बराबर आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपको फार्मूला होता है, अगर आपको फार्मूला नहीं तैयार है तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका फार्मूला होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स की जगह हमने नीचे लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस 2 कॉस एक्स को रहने दिया। तो और जब सॉल्व करेंगे इसको आगे, तो आपका आएगा यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी एक कोष्टक में a प्लस बी होगा और एक कोष्टक में a माइनस बी, यानी कॉस एक्स है तो एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को लिख लिया हमने 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ से 1 प्लस 2 कॉस एक्स को रहने दिया। अब यहाँ से लगभग आप लोगों का क्वेश्चन बन चुका है, ठीक। तो इसको आप कुछ फलन मानकर सॉल्व करेंगे, तो आइए फलन मानकर इसको सॉल्व करते हैं और आंसर प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से देखिए आपको साइन एक्स इंटू डी एक्स का मान चाहिए, और हर में आपको कॉस एक्स दिख रहा है, तो आप लोग समझ गए होंगे क्या मानना है। तो लेट करेंगे कॉस एक्स बराबर टी, तो जो फलन मानते हैं उसका आकलन करते हैं, तो कॉस एक्स का आकलन माइनस साइन एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। तो आई बराबर हमारा मिल जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह हमें डी टी यानी माइनस चिन्ह के साथ मिला है, तो माइनस चिन्ह लगा दिया। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स यानी 1 माइनस टी, क्योंकि कॉस की जगह टी माना है, और 1 प्लस टी और 1 प्लस 2 टी, बस सिंपल रूप में आ चुका है। वही फार्मूला सब यूज करेंगे, वही रूल अप्लाई करेंगे जो पहले करते आए हैं। तो देखिए फिर लेट अगेन यानी पुनः फिर मानेंगे, क्या मानेंगे, क्यों मानेंगे, क्योंकि आंशिक भिन्नों में हमें तोड़ना है। तो 1 बट्टे 1 माइनस टी 1 प्लस टी 1 प्लस 2 टी हो जाएगा, आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो होगा 1 बट्टे 1 माइनस ए बट्टे 1 माइनस टी प्लस बी बट्टे 1 प्लस टी प्लस सी बट्टे 1 प्लस 2 टी, यह हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपके सिंपल रूप का यह क्वेश्चंस है। तो देखिए भिन्नों का जोड़ आप लोग जानते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हमारा 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी 2 टी हो जाएगा। तो अब आप लोग ये सब रूल जानते हैं, जोड़ घटाना का ये सब कर लीजिएगा, ठीक। आगे हम बता रहे हैं क्या करना है, आगे करेंगे क्या, इस एलसीएम से इस एलसीएम आपका कटेगा और हमें मिलने वाला है समीकरण सेकंड, ठीक। तो यहाँ से हमारा जो समीकरण सेकंड आ जाएगा वह आ जाएगा कुछ इस तरह, 1 बराबर ए 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस 2 टी प्लस बी 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस 2 टी प्लस सी 1 माइनस टी स्क्वायर समीकरण सेकंड। अब करना क्या है, ए बी सी का मान ज्ञात करके समीकरण में रख के समाकलन करना है, सीधे आंसर आप लोगों को मिल जाएगा।
तो देखिए समीकरण दो में सबसे पहले आप लोग जब 1 + t = 0 रखेंगे तो t का मान आपको -1 मिलेगा, यानी जब 1 + t = 0 रखेंगे तो यहाँ 1, एक 1 + t है तो यहाँ a * 0 हो जाएगा, b 1 + 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर 1 - t दिख रहा है तो t का मान हम -1 रख रहे हैं, इसलिए 1 + 1 हो गया। यहाँ 1 - 2 हो जाएगा, +c * 0 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर 1 - t² है, इसका फलन जो तोड़ते हैं वो होता है 1 + t * 1 - t। तो इस प्रकार b का मान हमें यहाँ से मिलेगा -1/2। इसी प्रकार से हम लोग जब देख रहे हैं आप लोग फलन में, अगर 1 - t = 0 रख लें, यानी t = 1 आएगा यहाँ से, ठीक, तो क्या फलन मिलेगा? तो हमें a का मान मिल जाएगा। ये सब आप लोग निकाल लीजिएगा। तो देखिए यहाँ से a का मान आ जाएगा हमारा 1/6। तो b और a का मान हमें मिल गया। अब बचा है केवल c का मान, उसको भी निकाल लेते हैं। तो देखिए समीकरण दो में जब हम 1 + 2t = 0 रखेंगे तो t का मान -1/2 होगा, तो यहाँ से c का मान हमें 4/3 मिल जाएगा। आप लोग समीकरण जरूर लिखिए, तभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब a, b और c का मान हम समीकरण एक में रखेंगे। तो समीकरण एक अगर आपने लिख लिया है तो ठीक है, नहीं लिखे हैं तो पढ़ते रहिए ऐसे। तो देखिए a का मान 1/6 था, तो 1/6 हो जाएगा, और (1 - t) था इसको लिख लिया। b का मान -1/2 था, इसलिए -1/2, और यहाँ 1 + t था इसको लिख लिया। c का मान 4/3, तो 4/3 लिख दिया, और यहाँ पर 1 + 2t था इसको लिख लिया। अब इसी का हमें समाकलन करना है, लेकिन उसके पहले जो आप समीकरण एक माने थे उसको लिख लिया। समीकरण एक देखिए हमारा यही तो था, i - (dt/1 - t) 1 + t और 1 + 2t, ठीक। तो इसी का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इन सब का इंटीग्रेशन करने के लिए आप लोगों को ए बी सी का मान भी पता है। तो देखिए माइनस चिन्ह लगा था, तो माइनस चिन्ह को हमने लगने दिया, क्योंकि आपका यह इक्वेशन जो माना गया था उसमें पहले से ही था, और ए का मान -1/6 था, इसलिए देखिए माइनस चिन्ह रहेगा, इसलिए वहाँ यहाँ 1/6 हो गया। और इंटीग्रेशन ऑफ कोष्टक में dt/1 - t। अब b का मान -1/2 था, लेकिन बाहर जो माइनस है इसका हम अंदर पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt/1 + t। या देखिए 4/3 प्लस में है, लेकिन माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर -4/3 हो गया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ dt/1 + 2t। अब तो सिंपल हो चुका है, सीधे आप लोग समाकलन करेंगे और आंसर प्राप्त करेंगे, ठीक। तो देखिए आपको हमने कई बार बताया dt/1 - t = log t तो होगा, लेकिन माइनस में होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको बताया यह रूप जो है x माइनस ए के, ए माइनस एक्स का रूप है, ए माइनस यह log ए माइनस एक्स है, ए माइनस एक्स। तो आपको हमने कई बार बताया जब x माइनस में रहता है तो एक माइनस से बाहर गुणा हो जाता है, ठीक। तो इसलिए -1/6 था ये, और माइनस से देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया गया, और log 1 - t हो गया इसका dt/1 + t। इसका तो सीधे प्लस है, इसलिए 1/2 रहेगा, log 1 + t हो जाएगा। अब आपको एक बात और बता दें, यहाँ पर -4/3 तो लिख लिया, फिर (2) किया है यहाँ पर हमने, 1 * 2 किया। क्यों किया है? क्योंकि आपको बता दें dt/a + 2x जब रहता है, a + 2x जब रहता है, तो यह जो 2 है इसका भी मल्टीप्लाई आपका हर में ही होता है। आपको हमने कई बार बताया जब ax रहे तो हर के रूप में जाता है, इसलिए 4/3 * 2 कर दिया गया, और log 1 + 2t + c कर लिए। ये सब तो आप लोग कर लेंगे, एकदम सिंपल है, अगर फार्मूला लर्न है तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा माइनस का अंदर मल्टीप्लाई 1/6 log 1 - t + 1/2 log 1 + t। यहाँ 2 से 4 कटेगा तो 2 हो जाएगा, तो -2/3 log 1 + 2t + c। अब टी का मान रखेंगे तो 1/6 log 1 - cos x + 1/2 log 1 + cos x - 2/3 log 1 + 2 cos x + c। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 3 दिया है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ sec²x/(1 + tan x)(2 + tan x)। यह बहुत सिंपल रूप में है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो टेन एक्स का अवकलन होता है वो sec²x होता है। इसलिए यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, माना है tan x = t, तो sec²x (dx) का मान हमें dt मिल जाएगा, तो वह मान हम रखेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt/1 + t (2 + t)। यह तो एकदम सिंपल रूप है। अब फलन मानकर आंशिक भिन्न में तोड़कर ए बी सी का मान निकालकर समाकलन कर लें, आइए कर लेते हैं। तो देखिए फलन आपका इंटीग्रेशन ऑफ dt/1 + t (2 + t), तो इसमें पुनः मानेंगे, क्या मानेंगे?
आंशिक भिन्नों में तोड़ने के लिए, इसलिए पुनः मानेंगे एक बट्टे वन प्लस टी इंटू टू प्लस टी बराबर ए बट्टे वन प्लस टी प्लस बी बट्टे टू प्लस टी। ठीक, तो फिर वही भिन्नों का जोड़ है, एलसीएम लेंगे, उसके बाद दोनों तरफ एलसीएम कटेगा, तो हमारा सेकेंड समीकरण आएगा वो आएगा वन बराबर ए टू प्लस टी प्लस बी वन प्लस टी। यह समीकरण नंबर हमारा सेकेंड हो गया। यहाँ से ए और बी का हमें मान चाहिए और सीधे समाकलन करेंगे हम लोग। तो देखिए, जब समीकरण दो में हम टू प्लस टी बराबर जीरो रखेंगे तो टी का मान माइनस दो होगा और बी का मान मिलेगा, तो बी बराबर माइनस वन हो जाएगा। उसी प्रकार जब समीकरण एक दो में वन प्लस टी बराबर जीरो रखेंगे तो टी का मान माइनस वन होगा और ए का मान मिलेगा वन। ठीक, तो यहाँ से ए और बी का मान हम समीकरण एक में रख के समाकलन करेंगे। आप लोग समीकरण लिख लीजिएगा। देखिए, ए का मान वन है तो इंटीग्रेशन ऑफ एक बट्टे वन प्लस टी इंटू टी टी, बी का मान माइनस वन है इसलिए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक बट्टे टू प्लस टी इंटू टी टी। अब आप लोग जानते हैं एक बट्टे वन प्लस टी बराबर लॉग वन प्लस टी हो जाएगा, माइनस चिन्ह माइनस चिन्ह, एक बट्टे टू प्लस टी बराबर लॉग टू प्लस टी प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोगों को फार्मूला दिख रहा होगा लॉग एम माइनस लॉग एन का, तो हो जाएगा लॉग एम यानी वन प्लस टी अपॉन में एन यानी टू प्लस टी प्लस सी। टी का मान टेन एक्स है यानी हो जाएगा लॉग वन प्लस टेन एक्स अपॉन में टू प्लस टेन एक्स प्लस सी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन मिल गया। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स अपॉन में वन प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसका आपको समाकलन करना है। ठीक, तो सबसे पहले इसको कुछ तोड़ना फोड़ना पड़ेगा। ठीक, आपके बुक में भी दिया है, तो सेक एक्स को हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस एक्स, वन अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं सेक एक्स को, क्योंकि वन अपॉन कॉस एक्स बराबर सेक एक्स होता है। तो देखिए, उसकी जगह हमने ये लिख दिया, और अपॉन में वन प्लस कॉसिक एक्स को लिख सकते हैं वन प्लस एक बट्टे साइन एक्स। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि एक बट्टे साइन एक्स बराबर जो होता है वह होता है कॉसिक एक्स। ठीक, तो देखिए, इतना जब लिख लेंगे उसके बाद आपका आएगा यहाँ से एक बट्टे कॉस एक्स। अब देखिए, वन प्लस एक बट्टे साइन एक्स यानी जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका वन प्लस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स। तो देखिए, वही किया हमने, वन प्लस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स, और ऊपर एक बट्टे कॉस एक्स रहने दिया। अब ऊपर नीचे जब मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, इसका अंदर मल्टीप्लाई गुणा और इसका यहाँ गुणा, तो अपर आपका ऊपर आएगा साइन एक्स और नीचे आएगा कॉस एक्स इंटू वन प्लस साइन एक्स। ठीक, इतना जब आ जाएगा तो हम इतना देखिए आपका टोटल फलन आ चुका है। अब हम इसमें से क्या करेंगे, ये जो फलन आए हैं इनमें हम कॉस एक्स से गुणा और भाग करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने कॉस एक्स से गुणा और भाग कर दिया है, तो देखते हैं इसके बाद हमारा फलन क्या आने वाला है। तो देखिए, आने क्या वाला है, हो जाएगा हमारा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, उसके बाद यहाँ वन प्लस साइन एक्स। ठीक, तो फिर लिखेंगे हम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर, आप लोग जानते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक, तो वहाँ पर लिख दिया वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसकी जगह वन प्लस साइन एक्स है उसको लिख ही लिया। अब देखिए, आपको और एक बात बता दें, यहाँ पर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर लिख सकते हैं आप लोग क्या, वन प्लस साइन एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स, वन माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं, और पहले से आपका वन प्लस साइन एक्स है और एक वन प्लस साइन एक्स और मिल जाएगा तो वह स्क्वायर हो जाएगा और वन माइनस साइन एक्स रह जाएगा। अब फिर इसमें हम फलन मानेंगे और उसका आकलन करके अंश का मान निकालेंगे। तो आइए करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग साइन एक्स बराबर टी मान लें तो इसका अवकलन कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, तो आई का जो मान मिलेगा वो मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बराबर टी, तो अंश में देखिए साइन एक्स मिल रहा है, तो साइन एक्स बराबर टी हो गया, और कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर हमें क्या मिल गया, डी टी, तो टी इंटू डी टी अपॉन में वन प्लस साइन एक्स का होल वर्ग है यानी वन प्लस टी का होल वर्ग, और वन माइनस साइन एक्स यानी वन माइनस टी। अब इसमें आपको फलन मानना है। अगर आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग समझ गए होंगे कौन से टाइप का क्वेश्चन है, अगर नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए क्वेश्चन को। तो देखिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे, घातें दो बार रिपीट हुई हो, तो सबसे पहले उसको एक बार लिखते हैं, फिर रिपीट वाला भाग भी लिख लेते हैं। तो पुनः मानेंगे टी अपॉन वन माइनस टी इंटू वन प्लस टी स्क्वायर बराबर, आंशिक भिन्न में तोड़ रहे हैं इसको, तो ए बट्टे वन माइनस टी प्लस बी बट्टे वन प्लस टी। क्यों? क्योंकि यह रूल के अनुसार है कि जब दो घाती रहें तो उनको एक बार लिखेंगे, फिर दो घात भी लिखेंगे। तो देखिए, बी के नीचे हमने वन प्लस टी लिख दिया, सी में लिखेंगे वन प्लस टी का स्क्वायर, यह हो गया हमारा समीकरण
फर्स्ट, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, फिर वही प्रक्रिया आप लोगों से बार बार करें, आप लोग समझिए। एलसीएम लिए, दोनों तरफ से एलसीएम कटा, उसके बाद हमें मिलने वाला है समीकरण नंबर सेकंड। तो देखते हैं समीकरण नंबर सेकंड हमारा क्या मिलेगा। यहाँ से देखिए t बराबर होगा a1 वन प्लस टी स्क्वायर, बी वन माइनस टी वन प्लस टी प्लस सी वन माइनस टी, टोटली पूरा अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। टी स्क्वायर को एक साथ, टी को एक साथ और अचर पद को एक साथ लेके टी स्क्वायर कामन लेंगे यहाँ से, तो a माइनस बी मिलेगा। यहाँ से t कामन लेंगे तो 2a माइनस सी मिलेगा, और यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बराबर टी। यह हमारा समीकरण नंबर तीन हो गया, ठीक। अब यहाँ से a, b और c का मान निकालेंगे कैसे, अचर पद की तुलना करने पर। इस टाइप के क्वेश्चन में ही किया जाता है, ठीक। तो देखिए कैसे करते हैं, देखिए जब इस टी स्क्वायर से तुलना करेंगे तो इधर टी स्क्वायर है ना, इसलिए यहाँ पर जीरो, ए माइनस बी बराबर जीरो, और इधर तुलना करेंगे टू ए माइनस सी बराबर जीरो, क्योंकि टू ए माइनस सी बराबर वन, टू ए माइनस सी बराबर वन क्योंकि इधर भी टी है। तो यहाँ हो गया, और जो पहला माने थे ए माइनस बी बराबर जीरो, यहाँ से आपका ए बराबर बी हो सकता है, और ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो क्योंकि इधर अचर पद नहीं है। तो देखिए टोटल ये सब समीकरण है, सॉल्व करेंगे तो ए का मान एक बटे चार आएगा जो कि बी के बराबर है। तो ए और बी का मान पता चल गया। अब समीकरण आपके सब सामने हैं, सब मान रखेंगे ए या बी का, बी का ए का मान हम देख लीजिए समीकरण नंबर चार में अगर रख दें तो हमें सी का मान मिल जाएगा। तो सी का मान हमें माइनस वन अपॉन टू मिल गया, तो देखिए मिल चुका है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा गुणनखंड। तो देखिए यहाँ से a बराबर एक बट्टे चार, बी बराबर एक बट्टे चार और c बराबर माइनस एक बट्टे दो, समीकरण एक में रखकर समाकलन करने पर। तो कर लेते हैं समाकलन, तो a का मान एक बट्टे चार इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर था एक बट्टे वन माइनस टी इंटू डी टी, प्लस एक बट्टे चार b का मान है, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ एक बट्टे वन प्लस टी था। c का मान माइनस वन अपॉन टू, तो माइनस वन अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ एक बट्टे वन प्लस टी का स्क्वायर इंटू डी टी। तो यहाँ से देखिए एक बट्टे वन माइनस टी यानी लॉग टी होगा, लेकिन माइनस में होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर वन माइनस टी है और जो आपका फलन टी है उसको हम एक्स का फलन मानते हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस वन यानी एक बट्टे चार इंटू माइनस वन लॉग वन माइनस टी, इसका एक बट्टे चार लॉग वन प्लस टी माइनस एक बट्टे टी स्क्वा टी का होल वर्ग है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो वन प्लस टी की पावर में माइनस टू इंटू डी टी होगा। अब यह एक्स की पावर एन का रूप हो चुका है, कौन वन प्लस टी के पावर में माइनस टू, तो फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ देखिए एक बट्टे चार वन प्लस टी को आगे लिख लिया, माइनस एक बट्टे चार लॉग वन माइनस टी, यहाँ माइनस वन अपॉन टू, इसको सॉल्व करेंगे तो फार्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। तो यह किया, उसके बाद एक बट्टे चार लॉग वन प्लस टी माइनस एक बट्टे चार लॉग वन माइनस टी यानी लॉग एम माइनस लॉग एन का रूप, और एक बट्टे चार कॉमन, तो एक बट्टे चार लॉग एम का मान वन प्लस टी एन का मान वन माइनस टी, प्लस एक बट्टे टू यहाँ आपका वन प्लस टी हो जाएगा टोटल सॉल्व करने पर। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, टी का मान रखेंगे तो एक बट्टे चार लॉग वन प्लस साइन एक्स अपॉन में वन माइनस साइन एक्स प्लस एक बट्टे टू वन प्लस साइन एक्स प्लस सी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर पाँच का पाँचवा दिया, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स अपॉन में ई के पावर टू एक्स प्लस फोर ई के पावर एक्स प्लस थ्री इंटू डी एक्स। इसमें तो बहुत सिंपल है, ई के पावर एक्स का समाकलन भी ई के पावर एक्स होता है और ई के पावर एक्स का अवकलन भी ई के पावर एक्स होता है। तो मानेंगे ई के पावर एक्स बराबर टी, तो ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स का मान मिल जाएगा डी टी। तो टोटल सॉल्व कर लेते हैं, तो ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स की जगह लिख दिया डी टी अपॉन में ई के पावर टू एक्स है, तो इसे टी स्क्वायर, फोर ई के पावर एक्स है तो फोर टी प्लस थ्री, इसको लिख लेते हैं। उसके बाद जो हम इसको फलन बनाएंगे स्क्वायर का रूप बनाएंगे तो होगा डी टी अपॉन में टी स्क्वायर प्लस फोर टी, उसके बाद तीन में एक जोड़ दे रहे हैं और एक घटा रहे हैं, ठीक। तो देखिए तीन में एक जोड़ दिए एक घटा दिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हमको बनाना है पूर्ण वर्ग, इसलिए इसको फलन बना रहे हैं पूर्ण वर्ग के रूप का। तो यहाँ से मिलेगा डी टी अपॉन में टी स्क्वायर प्लस फोर टी प्लस फोर, माइनस वन को बाहर कर लिए तो मिल गया डी टी अपॉन टी प्लस टू का जो स्क्वायर होता है वह होता है टी स्क्वायर प्लस फोर टी प्लस फोर, इसलिए इसकी जगह हमने लिख दिया टी प्लस टू का और स्क्वायर और माइनस वन को रहने दिया। उसके बाद देखिए यहाँ से
एक बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन 1/2 a log एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए होता है। तो सब देखिए मान रख दिए, 1/2, ए का मान 1 है, 2 a log एक्स का मान t+2 माइनस 1 बट्टे में t+2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस सी। तो इस प्रकार से टोटली पूरा सॉल्व होकर आंसर आएगा, टी का मान रख लेंगे। बचे हुए जो क्वेश्चन है वो सब हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही।